ये तीन कंटेनर्स हैं सेरेमिक के और ये दो सिंगोनियम के प्लांट्स हैं। इन दोनों को इसमें लगाएंगे और क्योंकि छोटे सिंगोनियम हैं, छोटी लीव्स वाले, बहुत बड़े नहीं होंगे, ऐसे ही ये खूब अच्छी ड्रेनेज वाले हैं। इसमें पॉटिंग सॉइल भरेंगे और ये लगाएंगे और इसकी रूट बॉल एकदम भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब ये दोनों सिंगोनियम इनमें लग चुके हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, छोटे पॉट्स हैं और इनमें बहुत ही खूबसूरत एक सिंगोनियम लग गया है और इसकी केयर भी थोड़ी सी आपके साथ शेयर करूंगी। ये दोनों प्लॉट्स तैयार हो गए हैं, इनको लगे हुए करीब 4-5 दिन हो गए हैं और ये एकदम ग्रोथ पे आ गए हैं। ये बहुत ही प्रिटी दोनों सेम कंटेनर्स हैं और सिंगोनियम का ये है कि कई वैरायटीज़ में आता है। ये वाली जो वैरायटी है इसमें इसकी लीव्स थोड़ी नैरो हैं और थोड़ी लंबी हैं और बहुत प्रिटी हैं। डीप रूट्स इनकी नहीं होती हैं तो ये छोटे से छोटे कंटेनर में बहुत खूबसूरती से ग्रो करते हैं। इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और आप चूज़ कर सकते हैं। कुछ होती हैं बड़े पत्ते वाली। सिंगोनियम की लोकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सिंगोनियम की लोकेशन शेड में होनी चाहिए। समर ग्रोइंग है, ये फरवरी मार्च के बाद ग्रोथ शुरू कर देगा तो आप इसको शेड प्रोवाइड करें। अगर डायरेक्ट सन में रखेंगे तो इसकी जितनी भी लीव्स हैं वो चारों तरफ से एकदम बर्न हो जाएंगी और ये पीली होके गिर जाएंगी। सिंगोनियम्स में पानी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप इसको पानी कैसे देते हैं। गर्मियों में हालांकि इसमें थोड़ा मॉइस्चर देना पड़ेगा, मगर अगर इसमें पानी ज़्यादा हो जाता है या पॉट में पानी खड़ा रह जाता है किसी भी रीज़न से, तो इसमें बहुत जल्दी रूट रॉट से ये प्लांट ख़त्म हो जाता है और इसकी ग्रोथ नहीं अच्छी हो पाती। अच्छी ग्रोथ के लिए इसको ज़रूर चाहिए है मॉइस्चर, मगर टॉप लेयर जब तक ड्राई ना हो, जब तक इसमें पानी ना डालें, बहुत वेल ड्रेनिंग सॉइल लें, पानी ना खड़ा रहे। इसके लिए एक क्वालिटी होती है इसकी पॉटिंग सॉइल की कि उसमें वेल ड्रेनिंग सॉइल हो, पानी डालें और निकल जाए। और इसके अलावा इसकी ड्रेनेज होल को ठीक से बंद करें ताकि पानी इजीली निकलता रहे। चेक करके डालें, जब भी ऊपर लेयर ड्राई हो तब इसमें वाटरिंग करें। जब इनके प्लांट्स का ग्रोथ का पीरियड शुरू होता है फेब्रुअरी के बाद, मार्च के बाद, तब आप इनमें थोड़ा फर्टिलाइज कर सकते हैं फेब्रुअरी में और उसके बाद अक्टूबर में। ये बहुत ज़्यादा हाई फीडर नहीं होता है तो जब इसको फर्टिलाइज करें, इसके लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है जब आप इसको फेब्रुअरी में लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं। आप लिक्विड कई फॉर्म में दे सकते हैं, कंपोस्ट टी दे सकते हैं और ये वाला जो प्लांट है कंपोस्ट टी के अलावा, कंपोस्ट टी बनाना बहुत सिंपल होता है। कंपोस्ट टी बनाने के लिए आप कंपोस्ट को पानी में डिप करके कुछ दिन छोड़ सकते हैं, 2 या 3 दिन, और फिर स्ट्रेन करके उसके पानी से आप छानने के बाद आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं और इसके सॉइल में भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें एप्सम सॉल्ट भी डाल सकते हैं। एप्सम सॉल्ट ये बहुत लाइक करता है। लिक्विड फर्टिलाइज़र से फोलियर स्प्रे देना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एप्सम सॉल्ट जो लीफी प्लांट्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें मैग्नीशियम सल्फेट होता है और बस इसको 1 टीस्पून 2 लीटर्स में भी डाल सकते हैं। पानी में मिक्स करके इसको अच्छी तरह स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा आप कभी बीच बीच में, ये बायोवीटा का सी वीट एक्सट्रैक्ट है, ये अलग अलग कंपनीज का आता है, आप सी वीट एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं जो लिक्विड फॉर्म में आता है। ये फुल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है तो ये भी आप इनके फोलियर स्प्रे कर सकते हैं इससे। और अगर कुछ भी नहीं है तो खाली पानी का भी स्प्रे कर सकते हैं। इससे इस प्लांट में ह्यूमिडिटी मेंटेन रहेगी और प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। इनमें कई बार इन्फेस्टेशन हो जाती है, इन्फेस्टेशन होती है इनमें कई बार मिली बग्स की या एफिड्स की, कई बार इनमें स्पाइडर माइट्स भी आ जाते हैं, तो वो चेक करते रहिए। और अगर हो जाए तो इसको, और कुछ नहीं है आपके पास तो खाली साबुन के पानी से आप इसको वॉश आउट कर सकते हैं। और जब वॉश आउट करेंगे तो हमेशा जो पॉट है उसको लेटा के फिर उसके बाद में करें ताकि
कोई भी इन्फेक्शन इसके पॉटिंग सॉइल में ना जाए। और अगर आपके पास नीम ऑयल है तो आप उस सॉल्यूशन में थोड़ा नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं तो और भी इफ़ेक्टिव हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।